Swayam Prabha, Digital India, Educated India. टू स्वयं प्रभा मैं डॉक्टर कैलाश कुमार कुर्मी सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आज मैं व्याख्यान दो के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें कंपनी का परिवर्तन तथा निर्माण के बारे में बताया गया है पिछली जो व्याख्यान था उसमें कंपनी का उद्गम कंपनी का विकास कंपनी की प्रकार कंपनी की विशेषताएं, कॉपरेट निगम लीगल एंटिटी क्या है सेपरेट एंटिटी क्या है और उससे रिलेटेड केस के बारे में डिस्कस करा था आज जो है दूसरे व्याख्यान में कंपनी का प्रवर्तन प्रवर्तक क्या होते हैं कंपनी का प्रवर्तन कैसे होता है कंपनी के प्रवर्तक की विधि स्थिति क्या है प्रवर्तक के दायित्व क्या हैं प्रवर्तक के अधिकार क्या हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कंपनी का और पूंजी अंशदान कैसे वो सब्सक्राइब करते हैं पूंजी बराबर प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र कैसे इशू होता है और कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उस रजिस्ट्रेशन का प्रभाव क्या होगा और इनसे संबंधित प्रावधानों के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो है कंपनी के प्रवर्तन के बारे में बताएंगे कंपनी का प्रवर्तन जो है वो चार स्टेजेस में होता है सबसे पहला जो स्टेज होती है कंपनी के प्रवर्तन की वो प्रमोशन कंपनी का प्रमोशन कैसे किया जाएगा दूसरी जो स्टेज है कंपनी का इनकोपरेशन या रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा और तीसरी जो स्टेज है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे होगा कंपनी का और जो चौथी स्टेज है जैसी सब्सक्रिप्शन होगा उसका तो वो अपना बिजनेस जो है वो कमेंस कर सकते हैं अब सबसे पहले जो है वो कंपनी के परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी का परिवर्तन जो है वो कैसे होता है जैसे कि पहले जो स्लाइड है या व्याख्यान है उसमें डिस्कस किया गया है कि कंपनी एक स्टैचू के द्वारा निर्मित होती है अतः इसका निर्माण स्वतः या आकस्मक नहीं है इसका निर्माण जो है एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है सबसे पहले जो है उसका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद में उसका इनकॉप्रेशन होता है या रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और इसके बाद जो है वो कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं शेयर इशू करके डिबेंचर इशू करके और इसके बाद में जो अपना वो बिजनेस कमेंस करते हैं तो सबसे पहले जो है कंपनी के प्रवर्तन की चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो चरण है कंपनी का प्रवर्तन है कि कंपनी का प्रवर्तन जो है वो कैसे होगा तो सबसे पहले इसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रमोशंस का अर्थ क्या होता है प्रमोशंस जो है वो कंपनी निर्माण में प्रवर्तन की पहली सीढ़ी है मींस फर्स्ट स्टेप है कंपनी के परिवर्तन का जिसके आधार पर कंपनी के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है और प्रवर्तन का अर्थ प्रारंभ से है कि कंपनी का प्रारंभ कैसे होगा मींस कैसे शुरू होगी कंपनी कंपनी का निर्माण प्रारंभ करने से पूछ कुछ लोग मिलकर एक अपना व्यवसाय का प्रपोज़ल बनाते हैं कि हम क्या व्यवसाय करेंगे कैसे करेंगे तो वो पूरा प्रपोजल जो है वो उसमें रखते हैं और अपनी जो कैपिटल है वो रखते हैं और पूरे विचार विमर्श कर... कर करके पूरे अध्ययन करके कि हम क्या व्यवसाय करेंगे क्या व्यवसाय नहीं करेंगे उसकी पूरी प्लानिंग बनाते हैं जिसको हम प्रमोशन कहते हैं तथा इन प्रश्नों का विचार करते हुए वो इस व्यवसाय को बनाते हैं और इसकी पूंजी जो है वो सब्सक्राइब करते हैं इसमें क्या मशीनें लगेंगी क्या सामग्री होगी क्या श्रम होगा कौन एम्प्लॉय होगा कौन मैनेजर होगा क्या बिजनेस करेंगे तो ये सारी प्लानिंग जो है इसमें प्रमोशंस में होती है इस तरह से हम इसको कंपनी के प्रमोशन कहते हैं नेक्स्ट जो है वो प्रमोटर्स कौन होते हैं प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी जिनके मस्तिष्क में फर्स्ट जो है वो कंपनी को इस्टेब्लिश करने का एक आइडिया आता है उसको अपन प्रमोटर कहते हैं और अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं वो जैसे कि पूरी कैपिटल सब्सक्राइब कैसे की जाएगी कंपनी का नाम क्या होगा कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस क्या होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा और पूरा फंड जो है वो एकत्रित करते हैं बैंकरों से लोन लेना विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए वो अपना कार्य करते हैं और सभी प्रकार की ऐसी बातें सुनिश्चित करते हैं जो कंपनी के लिए जरूरी है और प्रवर्तक जो है वो देश के औद्योगिक उत्थान के, के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा करते हैं इन्होंने पश्चिमी यूरोप में और एक्चुअली अपन कहा जाए तो ये पूरा क्रिएटर ऑफ वेल्थ होते हैं कंपनी के लिए या इसको अपन इकोनॉमिक प्रॉफिट के रूप में जानते हैं अब प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व तो अपना अदा करते हैं किसी भी समय उनके द्वारा कंपनी निर्माण का विचार यदि सही ना हो तो काफ़ी मात्रा में धन और समय की हानि होती है इसीलिए प्रमोटर जो है वो कंपनी के लिए जरूरी होते हैं अब एक व्यक्ति फॉर्म संस्था या कंपनी के प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष समय प्रवर्तक की स्थिति में अथवा प्रत्येक मामले में तथ्य पर निर्भर है प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण की पूर्ण योजना बनाता है और उसे साकार रूप देता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा बासठ छः में प्रवर्तक को परिभाषित किया गया है लेकिन प्रवर्तक की परिभाषा में कोई वकील लेखाकार अकाउंटेंट इंजीनियर या कोई ऐसा विशेषज्ञ जो है वो उसकी परिभाषा में सम्मिलित नहीं होता है उनको प्रवर्तक नहीं माना जाता है तो इस तरह से इस प्रवर्तक को कंपनी अधिनियम में बताया गया है अब जो है प्रवर्तक की कुछ परिभाषाएँ जो हैं वो दी हुई हैं जिसमें जो है बहुत सारे जो जोरिस्ट हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है सबसे पहली जो परिभाषा है जस्टिन बर्ग के अनुसार है जिसमें उन्होंने इसको परिभाषित किया है कि प्रवर्तक का कार्य व्यवसायिक अवसरों को खोजना तत्पश्चात उसमें लाभ अर्जित करने के लिए व्यवसायिक इकाई का रूप देने के लिए धन परिस्थितियाँ एवं की योजना का संगठन करना है मीन्स के ऐसे अवसरों को खोजना और जो है वो एक सेपरेट व्यवसायिक एंटिटी बनाना और वो सारी परिस्थितियाँ प्रबंध कार्य करना जो एक कंपनी के लिए जरूरी है तो इस तरह से जस्टनबर्ग ने इसको डिफाइन किया हुआ दूसरी है दूसरी परिभाषा न्यायाधीश कागबन के अनुसार है इन्होंने प्रवर्तक को परिभाषा दिया कि प्रवर्तक ऐसा व्यक्ति है जो किसी कंपनी की परियोजना से संबंधित पूरी योजनाएं बनाए तथा उनके उद्देश्यों को निर्धारित करे उसको प्रवर्तक कहेंगे अतः परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कंपनी का प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है कि जो कंपनी से संबंधित सारी योजनाएं बनाए कंपनी का नाम सुझाए फंड रेज करे कंपनी के लिए वो सारे दायित्वों का निर्वहन करे जो कंपनी के लिए ज़रूरी है परंतु निर्माण प्रबंधन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रवर्तक नहीं होता प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जिसमें कोई पेशेवर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वकील तो ये सम्मिलित नहीं होते प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और सारी फंड रेज करे उनके डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करे या उसमें तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उसको प्रवर्तक कहेंगे अब जो है प्रवर्तक के प्रकार बताए गए हैं कि क्या प्रकार होते हैं प्रवर्तक के तो निम्न प्रकारों को प्रवर्तक के निम्न प्रकारों को बताया गया है पहला जो प्रकार है वो प्रोफेशनल प्रमोटर्स या पेशेवर प्रवर्तक कहा गया है पेशेवर प्रवर्तक वह व्यक्ति है अथवा कंपनी होते हैं जिनका मुख्य कार्य कमीशन के बदले में नई कंपनियों की स्थापना करना प्रवर्तन करना होता है इनका महत्वपूर्ण मुख्य व्यवसाय होता है मीन्स जो पेशेवर प्रवर्तक होते हैं वो कंपनी के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये जो है कंपनी को स्टैब्लिश करने में व्यक्तियों की सहायता करते हैं जिसको अपन पेशेवर प्रोफेशनल प्रमोटर बोलते हैं दूसरा प्रकार है सामयिक प्रवर्तक ओकेजनल प्रमोटर्स यह प्रवर्तक वह होते हैं जो अपने व्यवसाय के साथ साथ ही कभी कभी कंपनी के प्रवर्तन का काम भी करते हैं इनका प्रमुख व्यवसाय कंपनियों का प्रवर्तन नहीं होता मीन्स ये ओकेजनली जो है वो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं कि उनकी जो किसी व्यक्ति को कंपनी को इस्टैब्लिस करना है तो उनकी ये हेल्प करते हैं कि कंपनी कैसे स्टैब्लिश होगी या उनकी सहायता करते हैं तो उनको केजनल प्रमोटर कहते हैं तीसरा जो प्रकार है वित्तीय प्रवर्तक फाइनेंशियल प्रमोटर यह प्रवर्तक प्रवर्तन में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं मीन्स किसी व्यक्ति को, को कोई कंपनी इस्टैब्लिश करनी है तो ये जो प्रमोटर होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं कि आप कंपनी इस्टेब्लिश करिए उसके लिए हम सारी पूंजी जो है वो आपको देंगे तो ये तीसरा प्रकार है प्रवर्तक का चौथा जो प्रकार है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इसको भी प्रवर्तक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है इस प्रकार से कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंपनी के प्रमोशंस के लिए सहायता करते हैं और कंपनी के निर्माण और प्रवर्तन की स्थापना करने के लिए उनको हेल्पफुल होते हैं तो इनको अपन स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन कहते हैं तो इस प्रकार से प्रवर्तन के प्रकार बताए गए हैं अब जो है जो प्रवर्तक होते हैं उनके लिए एक पारिश्रमिक या रेमोनोरेशन जो है वो दिया जाता है कि जैसे जो प्रवर्तक होता है वो कंपनी के लिए बहुमूल्य जो सेवाएं देता है तो उनके लिए वो कंपनी उनके लिए एक प्रतिफल के रूप में जो है वो नगद या आंशिक रूप से नगद या जो कंपनी के शेयर हैं या डिबेंचर हैं उनमें जो है उनको शेयर या डिबेंचर देती है परंतु यदि कंपनी के समामेलन के पश्चात प्रवर्तक का इस संबंध में कंपनी के साथ में कोई ऐसी स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो प्रमोटर होते हैं उनके लिए कोई परिश्रम जो है वो नहीं देती है जो प्रिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो नहीं देती है अब यहाँ पे यदि कंपनी के लिए कोई उसने कांटेक्ट करें या पर्सनल खर्चेस करे हैं तो वो जो है वो कंपनी से क्लेम कर सकती है तो ये कंपनी के लिए जो प्रवर्तक होते हैं उनके लिए पारिश्रमिक देती है अब जो है प्रवर्तक का क्या महत्व है कंपनी में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब जो प्रवर्तक होते हैं वो देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं क्योंकि ये कंपनी के प्रमोशन या इस्टिशमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अब देश की व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति में प्रवर्तक जो होते हैं प्रमोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अब कंपनी के निर्माण के संबंध में प्रवर्तकों का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है अब प्रवर्तक के द्वारा ही कंपनी की नींव रखी जाती है कि कंपनी कैसे बनाई जाएगी इसीलिए जो है वो प्रवर्तक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अब प्रवर्तक नए उद्योग या व्यापार की स्थापना की कल्पना करते हैं इसीलिए भी जो प्रवर्तक हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और वह कंपनी का भविष्य का निर्धारण करते हैं कि कौन किसकी क्या दायित्व होंगे ये कंपनी उसमें निर्धारित किया जाता है और बाद में यदि किसी कारण से कंपनी असफल हो गई तो हानि का समस्त भार भी प्रवर्तक के कंधों पर होता है क्योंकि सारा जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी को खड़ा करने में इनका होता है इसीलिए जो प्रवर्तक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अब वास्तव में प्रवर्तक ही जनता के संचित या निष्क्रिय सेब या इनऑपरेटिव धन को औद्योगिक विनियोग के लिए आकर्षित करते हैं और वो कंपनी का प्रमोशन करते हैं जिस कारण से जो जनता है वो उसमें इन्वेस्ट करती है इसी कारण से जो है वो प्रवर्तक कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कंपनी की जो स्टैब्लिशमेंट होगा या निर्माण होगा उसमें प्रमोटर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अब इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं या एक स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रवर्तक के इम्पोर्टेंस के बारे में प्रवर्तक का क्या महत्व होगा कंपनी के लिए तो डॉक्टर हैनरी ई हॉगलैंड ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो प्रवर्तक का महत्व तो है उसको बड़ी सुंदरता और भाषा से समझाया गया है अब जो है यह वस्तु की कल्पना करता है कि कंपनी जो है वो कैसे स्टैब्लिशमेंट होगी उसका क्या अस्तित्व होगा वह जनता को क्या कंटेंट या क्या वस्तुएं प्रोवाइड करेगा क्या सेवाएं देगा वो उसके व्यावसायिक उपकरणों का निर्माण कैसे होगा तो इसीलिए जो है वो प्रमोटर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कंपनी में अब संक्षेप में यदि अपन इसको कहें जो प्रमोटर होता है उसका क्या योगदान होगा तो प्रवर्तक द्वारा ही कंपनी को जीवन प्रदान किया जाता है कंपनी को अब हमारे देश में प्रवर्तकों का अभाव है और इसीलिए अपनी औद्योगिक जो प्रगति है उसमें मंदी है अब स्वतंत्रता के पश्चात यद्यपि सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत ही प्रयास किए हैं और कंपनियों को काफी प्रगति हुई है और बहुत सारी नई कंपनियां जो है वो स्टैब्लिश हुई हैं या स्थापित हुई हैं इसीलिए जो है प्रवर्तक का एक कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अब जो है प्रवर्तकों के अधिकार बताए गए हैं कि प्रवर्तकों के क्या अधिकार होंगे राइट्स ऑफ प्रमोटर्स क्या होंगे तो इसको जो है निम्न भागों में बांटा जा सकता है कि जैसे कंपनी जो प्रवर्तक होते हैं वो कंपनी का निर्माण करते हैं और सारी जो फॉर्मेलिटी है वो करते हैं इस कारण से वो अपने कुछ राइट जो है वो भी होल्ड करते हैं कंपनी के प्रति सबसे पहला अधिकार है विधिक प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार राइट टू गेट लेजिटिमेट प्रिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स उनने जो कोई प्रारंभिक खर्चे करे हैं कंपनी में बनाने के लिए कोई कॉन्टैक्ट करे हैं या डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में तो वो सारे खर्चे जो है वो कंपनी से वसूल सकता है कि सपोज कंपनी का जैसी समामेलन या इनकॉपरेशंस होता है इस और इनकॉप्रेशंस के बाद में या पहले जो कोई खर्चे उसने करे हैं या व्यय करे हैं तो वो कंपनी से उसको वसूल हो सकता है और या वसूल सकता है तो ये पहला अधिकार है प्रमोटर्स का कि वो जो भी खर्चे उसने करे हैं वो उससे कंपनी से वसूल सकता है दूसरा अधिकार है प्रवर्तक का कि जो राइट टू गेट प्रपोसनेट अमाउंट फ्रॉम दी कंपनी एंड प्रोमोटर्स कि जो उसने कोई ऐसा प्रपोसनेट अमाउंट जो उसमें इन्वेस्ट करा है तो वो भी उसमें वो कंपनी से ले सकता है कि यदि प्रवरण में या जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें कोई मिथ्या वर्णन के आधार पर सह प्रवर्तकों में से किसी प्रवर्तक को कोई क्षति होती है तो प्रवर्तक से अनुपातिक राशि प्राप्त कर सकता है और वो ऐसे राइट उसको प्रोवाइड्स किए गए हैं कि वो ऐसा प्रपोसनेट अमाउंट जो है वो उस प्रवर्तक से ले सकता है तीसरा अधिकार जो है उसमें बताया गया कि पारिश्रमिक पाने का अधिकार कंपनी ने जो प्रमोटर्स होता है उसने कंपनी को बनाने में जो अपनी मेहनत करी है या जो अस्तित्व लाने के लिए जो खर्चे करे हैं वो सारे रेमोनरेशन जो है वो कंपनी से व्यय कर सकता है इसीलिए जो है उसको पारिश्रमिक पाने का अधिकार है अब प्रवर्तक कंपनियों के निर्माण करने व चलाने में कठिन परिश्रम करता है फंड जुटाता है सारी चीजें करता है तो इसीलिए उसकी या कोई ऐसे कांटेक्ट करें हैं, तो उसके लिए वो रेमुनरेशन जो है वो कंपनी से प्राप्त कर सकता है तो इस प्रकार से जो प्रमोटर है उसको कुछ अधिकार जो है वो कंपनी अधिनियम ने प्रोवाइड करे इसके बाद जो है प्रवर्तक के कुछ दायित्व बताए हैं कि प्रवर्तक के क्या दायित्व होंगे अब जो कंपनी का प्रवर्तक होता है उसको कुछ अधिकार प्राप्त किए हैं और कुछ उसकी दायित्व भी है कंपनी के प्रति अब प्रवर्तक का कंपनी के प्रवर्तक में महत्वपूर्ण योगदान होता है जहां प्रवर्तक को कुछ अधिकार दिए गए हैं वहां पर उनके कुछ दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं कि जो प्रवर्तक होता है कंपनी का उसके कुछ दायित्व जो है वो कंपनी के प्रति बताए गए हैं पहला जो दायित्व है वो निम्न प्रकार से बताया गया कि उसको कोई ऐसा गुप्त लाभ होता है तो वो कंपनी के सामने जो है वो प्रकट करेगा लाइबिटी टू डिस्क्लोज एंड पे दी सीक्रेट प्रॉफिट कि यदि उसको कंपनी को बनाने में उसके पहले या बाद में कोई ऐसे सीक्रेट लाभ हुए हैं तो वो कंपनी को बाकायदा उसको लौटाएगा तो ये उसका दायित्व है कि कोई उसको सीक्रेट प्रॉफिट हुए हैं तो वो उसको कंपनी को लौटाएगा तो ये पहला जो है उसकी लाइबिटीज़ बताई गई या दायित्व बताया गया है दूसरा दायित्व बताया गया है कि बिना विवरण दिए संपत्ति के क्रय होने से हानि के लिए दायित्व लाइबिलिटी टू लॉस ऑन परचेज ऑफ असैस फॉर विच नॉट अकाउंट इज गिवन कि जहाँ पे कोई कंपनी के लिए उसने कोई संपत्ति खरीदी है तो वहाँ पे जो है यदि उसको ऐसे कोई सीक्रेट प्रॉफिट होते हैं या संपत्ति क्रय होने से उसके लिए कोई फायदा होता है तो वो कंपनी को रिटर्न करेगा ये उसकी लाइबिलिटीज है कि यदि प्रवर्तक को कंपनी को बिना पूरा विवरण दिए किसी संपत्ति का क्रय करते समय उसको कंपनी के लिए कोई हानि हुई है तो वो सारे जो है वो लॉसेस वो कंपनी को देगा ये उसकी लाइबिटीज़ है प्रमोटर की तीसरा जो दायित्व है वो अनुबंधों को पूरा ना करने का दायित्व कि सपोज जब कंपनी बना रहा है वो व्यक्ति और उसने कोई पहले से कोई ऐसे कांटेक्ट करे हैं या बाद में कोई कांटेक्ट करे हैं और उसको अधूरा छोड़ के चला गया तो उसके प्रति उसका दायित्व है कि वो उन कांटेक्टों को पूरा करेगा और कंपनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी के वो सारे कॉन्टैक्ट जो है वो पूरे करेगा तो ये तीसरा दायित्व तो जो है इसमें बताया गया है चौथा दायित्व तो बताया गया है कि प्रकरण में कपट के लिए दायित्व कि जब कोई ऐसा परस्पेक्ट इशू करा है या उसने बनाया है तो ये प्रवर्तक का दायित्व है कि कोई उसमें मिस स्टेटमेंट या फ्रॉडलैंड कोई वर्ड या कोई ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं तो वहाँ पे जो है उस प्रमोटर का दायित्व तो है और उसके लिए वो व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा और वो सारे फैक्ट जो है वो कंपनी से संबंधित कि कंपनी क्या बिजनेस करती है क्या उसका शेयर का वैल्यू होगा कैसे उसका निर्धारण होगा यदि कोई ऐसे मिस स्टेटमेंट करे हैं तो उसके लिए वो प्रमोटर जो है वो स्वयं जिम्मेदार होगा या लाइबल होगा कम वो व्यक्ति पाँचवा जो इसका लाइबिटीज बताएगा लाइबिटीज ऑन डेथ कि यदि प्रमोटर्स मर जाते हैं कि यदि कोई प्रमोटर्स या प्रवर्तक जो है कि मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा दिए जाने वाले रुपयों के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होगी तो वहाँ पे जो कंपनी जो है यदि उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो उसके व्यक्ति हैं या पर्सन हैं वो जो है उसके लिए लाइबल होंगे और वो जितना उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करा है तो वो उनके लिए देनदारी के लिए लाइबल होंगे चौथी जो लाइबिटीज बताई गई कि दिवालिया होने पर दायित्व कि यदि प्रमोटर्स जो है वो दिवालिया हो जाता है हो जाने पर उसकी संपत्ति कंपनी के लिए उत्तरदायी हो तो वहाँ पे यदि उसने कोई ऐसा इन्वेस्ट करा है तो जो उसकी पर्सनल असेट्स है या जितना उसने कंपनी को इन्वेस्ट करा है तो वो उसके लिए लायबल होगा कि वो सारे असेट्स जो है वो दे जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं सातवां दायित्व है कपट या कर्तव्य भंग भंग की दशा में दायित्व लाइबिटीज इन केस ऑफ अ फ्रॉड और मिसफ्यूजेंस कि जहाँ पर कोई वो ऐसा फ्रॉड या मिसफ्यूजेंस करता है कंपनी के प्रति तो उसका दायित्व है कि वो उस फ्रॉड या मिसफ्रीजेंस के लिए लाइबल होगा या उत्तरदायी होगा और वहाँ पे जो है वो उसको कंपनसेशन कंपनी को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसे लॉसेस होते हैं तो उसके लिए वो वो लॉसेस देगा सारे आठवां जो दायित्व बताया गया है कि प्रवरण की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना करने पर दायित्व लाइबिटीज इफ नॉट फुलफिलिंग दी स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट ऑफ दी प्रोस्पेक्टिस कि जहाँ पे कोई ऐसी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है परोस्पेक्टिस में और वहाँ पर प्रमोटर ने उसको फुलफिल नहीं किया है तो वहाँ पर जो है प्रमोटर्स लाइबल होगा कंपनी के प्रति या अन्य व्यक्ति के प्रति जहाँ पर जिसको उसको लॉसेस हुए हैं जिसने उसमें इन्वेस्ट करा है कंपनी में तो यहाँ पे उसके उत्तरदायित्व बताए गए हैं तो ये जो है कंपनी अधिनियम में कुछ उत्तरदायित्व तो बताए गए हैं प्रमोटर्स के जहाँ पे वो पर्सनली जो है वो लाइबल होता है, है, है कंपनी के प्रति और आउटसाइडर के प्रति अब यहाँ पे प्रमोटर्स के कुछ कार्य बताए गए हैं कि प्रमोटर्स के क्या कार्य होंगे मीन्स कर्तव्य क्या होंगे उनके या जो कार्य क्या कर सकता है वो तो ये कंपनी जो है या तो पूर्णतः नए सिरे से आरंभ होती है या चालू कंपनी को क्रय करती है मीन्स या तो नई कंपनी बनती है या वो कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करता है या एक्विजीशंस करता है या जो कोई चालू कंपनी है उसको या कोई विद्यमान कंपनियों को संयोजित करता है या मर्जर करता है तो इन सभी दशाओं में प्रवर्तक को विविध कार्य करने पड़ते हैं जैसे इसके लिए कुछ प्रमुख कार्य बताए गए हैं जो एक प्रवर्तक कर सकता है पहला जो कार्य है जो प्रवर्तक कर सकता है वो कंपनी के निर्माण का विचार बनाना और इसकी संभावनाओं को देखना सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य जो है वो प्रवर्तक का यह है कि कंपनी का निर्माण के लिए विचार करना मीन्स सबसे पहले जो है जितने भी प्रवर्तक हैं उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि कंपनी का निर्माण कैसे होगा या क्या संभावनाएं होंगी क्या बिजनेस करेगा तो ये सबसे पहला जो वो कार्य है प्रवर्तक का कि वो सबसे पहले जो है वो कंपनी का अपने माइंड में एक अस्तित्व लाता है कि कंपनी क्या होगी क्या नाम होगा क्या चीज़ होगी क्या बिजनेस करेगी तो ये पहला कार्य जो है वो प्रवर्तक का है दूसरा उन्होंने बोला है कि कंपनी को प्रारंभ करने से पहले की समस्याएं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी को निर्माण करने की कच्चा माल क्या होगा प्लेस क्या होगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा ये सारे जो है वो निर्धारित करता है कंपनी तो इत्यादि इन चीज़ों पर विचार जो है वो प्रमोटर्स करता है तो ये दूसरा कार्य है प्रमोटर्स का तीसरा कार्य है यदि कंपनी का निर्माण किसी विद्यमान व्यापार को खरीदना है तो इसके बारे में क्रेताओं को ढूंढना उनसे संबंधित सारे कार्य जो है वो ये करता है चौथा जो है प्रथम संचालकों के रूप में कि प्रथम संचालक कंपनी के कौन होंगे तो उनके बारे में ये निर्धारित करता है तथा उनकी सहमति लेता है मीन्स कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे कंपनी के और उनकी कंसेंट जो है वो लिखित रूप से प्रमोटर्स से लेते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट जो कार्य है कि वो कंपनी का नाम निर्धारित करता है कि कंपनी का क्या नाम होगा कंपनी के क्या उद्देश्य होंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे कैपिटल कैसे सब्सक्राइब की जाएगी तो ये इससे संबंधित कार्य जो है वो एक प्रोमोटर्स करता है नेक्स्ट जो कार्य है कि कंपनी के लिए बैंकर्स अंकेचित दलाल और वैधानिक सलाहकार आदि को चुनना अगला जो कार्य है कि वो कंपनी के लिए बैंकर्स जो है वो प्रोवाइड्स कराता है अकाउंटेंट प्रोवाइड्स कराता है कोई ब्रोकर्स है और वैधानिक सलाह या जो लीगल एडवाइजर हैं उनके लिए वो अपॉइंट करता है या उनकी नियुक्ति करता है तो ये जो है इसका एक कार्य है अगला जो कार्य है वो सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम और विवरण को तैयार करता है मोस्ट और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रमोटर्स का यही होता है कि वो पार्षद नियम आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन और परस्पेक्ट्स को तैयार करना कि पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कंटेंट होंगे कितने क्लॉजेज होंगे वो सारे जो है उनका निर्धारण करता है दूसरा जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का निर्माण करता है और अब इसमें जो है उनका जो इंटरनल मैनेजमेंट होगा वो कैसे निर्धारित किया जाएगा तो ये इसमें उसका प्रोस्पेक्टस कैसे होगा उसको कैसे तैयार किया जाएगा तो वो इससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करता है तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रवर्तक अगला जो कार्य है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय उपस्थित रहना या कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना ये भी उसका एक कार्य है अब इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं डॉक्यूमेंट एकत्रित करके कंसेंट लेके सारी चीज़ें करके वो कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और उस समय जो है वो वहाँ पे उस उपस्थित रहता है और सारे जो है जितने भी प्रोमोटर्स हैं उसमें साइन करते हैं तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है अगला जो कार्य है वो संपत्ति का विक्रेता अभिगोपक एवं प्रबंध अभिकर्ता इत्यादि के साथ प्रबंध अनुबंध करता है कि जैसे संपत्ति को कोई खरीदना है उसका गार्जियन या उसके एजेंट्स के रूप में उसका कार्य करता है और उससे संबंधित सारे जो है वो अनुबंध या कॉन्टैक्ट जो है वो करता है अगला जो कार्य है समामेलन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से प्राप्त करना कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी का तो वहाँ से जो है रजिस्ट्रार से उसका प्रमाण पत्र करना इसका भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है नेक्स्ट जो काम है उसका प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करना मीन्स जब कंपनी इस्टेब्लिश करी गई तो जितने भी प्रिमिनरी एक्सपेंसेस हैं कंपनी को स्थापित करने में वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो प्रमोटर्स करता है इसके बाद जो है अगला जो कार्य है कि पूंजी के निर्गमन की व्यवस्था करना कि पूंजी जो है वो कैसे सब्सक्राइब की जाएगी जनता से तो उसके लिए जो है वो शेयर इश्यू करना बॉन्ड इशू करना तो ये सारे जो है वो सब्सक्रिप्शंस प्रोस्पेक्टस इश्यू करना तो ये सारे जो कार्य जो है वो पूंजी निर्माण से संबंधित करता है तो इस तरह से इसके कार्यों को विभाजित किया गया है जो एक प्रोमोटर्स करता है अब जो है प्रोमोटर्स की विधिक स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोमोटर्स की जो लीगल पोजीशन क्या है कंपनी में कि किसी कंपनी के प्रोमोटर्स की कानूनी स्थिति को समझना बहुत ही कठिन है अब प्रोमोटर्स की कानूनी स्थिति को ठीक करना कठिन है भले ही कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए सभी काम एक प्रोमोटर्स करता है लेकिन प्रोमोटर्स की कानूनी स्थिति निम्न प्रकार से बताई गई है फर्स्ट जो है प्रोमोटर्स कोई एजेंट नहीं होते कंपनी के प्रोमोटर्स को कंपनी का एजेंट बनाने के लिए कंपनी का अस्तित्व में होना जरूरी है तभी वो कंपनी के एजेंट माने जाएंगे इसके पहले जो है वो कंपनी के एजेंट नहीं होते जैसी कंपनी जो है वो अस्तित्व में आ जाती है तो वो जो भी पहले कोई ऐसे अनुबंध करे या बाद में अनुबंध करें तो वो कंपनी के एजेंट्स के रूप में कार्य कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसके पहले जो है वो उसके एजेंट नहीं होते जैसी कंपनी पंजीकृत हो जाती है इनकोपरेटिव हो जाती है तो वो जो है वो कंपनी के एजेंट हो जाते हैं दूसरी स्थिति है के बारे में कि प्रोमोटर्स के द्वारा किए गए खर्चों का हकदार नहीं है कि प्रोमोटर्स ने कोई ऐसे पर्सनल एक्सपेंसेस करे हैं जो खुद के लिए यूज किए गए हैं तो वहां पे जो है वो ऐसे एक्सपेंसेस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकता लेकिन यदि प्रोमोटर्स ने कोई कंपनी को, को निर्माण करने में जैसे डॉक्यूमेंट बनाने में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाने में कोई ऐसी फीस है वैधानिक रूप से जो उसने कोई एक्सपर्ट को दी है तो वो सारे जो है खर्चे वो कंपनी से क्लेम कर सकता है इस प्रकार से जो प्रमोटर्स जो है वो कानूनी तौर पर प्रमोशंस के दौरान किए गए सारे खर्चों का हकदार नहीं होता लेकिन जो वैधानिक खर्चे हैं वो कंपनी से क्लेम कर सकता है तीसरा बताया गया प्रमोटर और उसका पारिश्रमिक कि कंपनी प्रमोटर्स का पारिश्रमिक ले सकते हैं लेकिन कंपनी के लिए प्रमोटर्स को उसके द्वारा किए गए काम के लिए पारिश्रमिक देना अनिवार्य नहीं है मीन्स मैंडेटरी नहीं है पारिश्रमिक का भुगतान प्रमोटर को कंपनी के प्रचार के दौरान मीन्स जो कंपनी का उसने प्रमोशंस दिया है उसमें जो खर्चे हुए हैं तो वो उसको क्लेम कर सकता है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको दे या कोई ऐसे कमीशंस पे उसने काम करें तो वो उसको देने के लिए बा नहीं है कंपनी अब प्रमोटर्स को शेयर और डिबेंचर्स का आवंटन करने का अधिकार होता है जैसी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वहाँ पर रजिस्टर्ड होने के बाद में जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने लिए जो है वो शेयर इशू कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं या बॉन्ड सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन्हें आवंटित कर सकते हैं और वे व्यवसाय की तारीख में अपनी सुरक्षा खरीदने का विकल्प भी दे सकते हैं यदि प्रमोटर्स को शेयर आवंटित किए जाते हैं तो कंपनी के शेयर धारक बन जाते हैं है या जो शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर्स होल्डर्स हैं वो बन जाते एक और इसमें कंपनी की विधिक स्थिति के बारे में बताया कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के ट्रस्टी होते हैं मीन्स कि वहाँ पे जैसे ही कंपनी का इनकोऑपरेशन हो जाता है इस तरह से वो कंपनी के ट्रस्टी बन जाते हैं और इसके पहले जो भी कॉन्टेक्ट वो सारे करें जब कंपनी अस्तित्व में नहीं थी, थी तो उसके पहले जो है वो उसके ट्रस्टी नहीं होते। जैसी कंपनी अस्तित्व में आती है तो वो कंपनी के ट्रस्टी होते हैं तो इस तरह से अब ये हुआ पहला चरण कि कंपनी जो है वो कैसे प्रमोट की जाती है प्रमोशन ऑफ द कंपनी दूसरा चरण आता है कंपनी का निर्माण या समामेलन या रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशंस इनकॉपरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी कि कंपनी का निर्माण कैसे होगा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा या इनकॉपरेशन कैसे होगा तो पहला जो स्टेज है कंपनी का वो प्रमोशन ऑफ कंपनी है दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के प्रवर्तन के पश्चात कंपनी के निर्माण का दूसरा चरण आता है इसके अंतर्गत कुछ प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न संपन करने के पश्चात प्रपत्तों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना पड़ता है कि जैसे ही उसका प्रमोशन हो गया सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए प्रमोटरों के द्वारा उसके बाद में जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है अब किसी भी कंपनी का अस्तित्व उसके इनकॉपरेशन्स के पश्चात होता है तभी जो है वो एक लीगल एंटिटी या कॉपरेट एंटिटी बनती है इसीलिए कहा जाता है कि प्रवर्तन कंपनी को गर्भ का रूप देता है और समामेलन उसे गर्भ से निकालकर एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है मीन्स कि जो प्रमोशन है वो केवल कंपनी को अस्तित्व देता है लेकिन जो इनकॉपरेशंस है वो कंपनी को एक विधिक अस्तित्व जो है वो प्र, प्रदान करता है वो सेपरेट एंटिटी जो है वो बनाता है अब एक कंपनी के समामेलन की विधि को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है कि उसमें क्या क्या उसमें प्रोसेस अपनाई जा सकती है रजिस्ट्रेशन में एक कंपनी के तो पहला जो है जो प्रवर्तक होता है उसमें नाम की प्राप्ति अबेबिलिटी ऑफ द नेम कि सपोज कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो सबसे पहले जो है वो अबेबिलिटी ऑफ दी नेम देखता है कि क्या नाम जो है उसके लिए सूटेबल है क्या नाम कंपनी का रखा जा सकता है तो इसके लिए जो है वो अबेबिलिटी ऑफ दी नाम्स को सबसे पहले देखता है अब इसमें जो है कोई गवर्नमेंट के नाम से कंपनी को वो रजिस्टर नहीं करा सकता कोई भी ऐसे क्वीन रॉयल इसके नाम से जो है वो कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता तो वो सबसे पहले अबेबिलिटी ऑफ दी नाम से या पहले से कोई कंपनी एग्जिस्ट है उसका नाम उसमें नहीं रख सकता है तो ये जो है अबेबिलिटी ऑफ दी नाम सबसे पहले वो फाइंड आउट करता है दूसरा इनकॉपोशन का स्टेप है कि जो ब्रोकर्स होते हैं अकाउंटेंट होते हैं बैंकर्स इंजीनियर और अंडर को सुनिश्चित करना कि कौन उसके ब्रोकरस होंगे कौन उसके अकाउंटेंट होंगे कौन बैंकर्स होंगे कौन इंजीनियर होंगे और कौन अंडर राइटर्स होंगे तो ये भी इसमें निर्धारित किया जाता है तीसरी इसमें बात बताई गई कि पार्षद सीमा नियम नियम और प्रवरण को तैयार करना एवं उनकी छपाई की व्यवस्था करना तीसरा इसका चरण है कि कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा कौन कौन से क्लास होंगे मेन क्लास कौन सा होगा ऑब्जेक्ट क्लास कौन सा होगा सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन्स में एम में निर्धारित किया जाता है इसके बाद जो है वो जो उसका आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन होता है या अंतर नियम होता है उसको तैयार करता है उसमें जो है कंपनी इंटरनली कैसे मैनेज होगी तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो इसमें बताई गई है इसके बाद जो है वो प्रोस्पेक्टस को तैयार करता है कि प्रोस्पेक्टस क्या होगा कैसे वो कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब करेगा तो वो उसकी भी व्यवस्था करता है चौथा जो इसका स्टेप है कि ये विवरण तैयार करना जिसमें कंपनी का नाम मीन्स प्रोस्पेक्टस तैयार करना या एक स्टेटमेंट तैयार करना जिसमें कंपनी का नाम क्या होगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो क्या होगी और संचालकों और प्रबंधकों के नाम एवं पते सारी चीज़ें जो है वो उसमें लिखेगा कि कंपनी का नाम क्या है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है और प्रस्तावित पूंजी क्या है संचालकों और प्रबंधकों के नाम क्या होंगे उनके पते क्या होंगे वो सारे पर्टिकुलर्स जो है वो उसके साथ में लगाएगा इसके बाद जो है पार्षद अंतर्नियम को तैयार करेगा या पार्षद अंतर्नियम इस अभिलेख में पार्षद सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख करेगा मीन्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस है उसमें क्या नियम होंगे कंपनी कैसे चलाई जाएगी किनके द्वारा चलाई जाएगी पावर्स क्या होंगे कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे तो वो इसमें निर्धारित किए गए अगला जो स्टेप है कि कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को निर्धारित करेगी कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो क्या होगा मीन्स कि सपोज जैसे कोई कंपनी जो है वो कानपुर में स्टेब्लिश की जानी है तो उसका जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो निर्धारित करेगा और रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान और स्थिति की सूचना रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है और वो रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है इसीलिए जो है उसका निर्धारण करना ज़रूरी है नेक्स्ट है संचालकों की सूची कि जो निर्देशक होंगे कंपनी में उनकी एक लिस्ट जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करेगा कि ये जो निम्नलिखित व्यक्ति जो है वो कंपनी के संचालक होंगे और उनके पते के साथ में जो है वो कंपनी को सबमिट करेगा इसके बाद जो है उनने बोला कि जो संचालक की लिस्ट के साथ साथ ही उनकी जो कंसेंट है लिखित कंसेंट जो है वो भी उसको स्वीकार करेगा कि ये जो निम्नलिखित व्यक्ति जो है वो इस कंपनी के संचालक होंगे नेक्स्ट बताया कि जो कोई पूर्णकालिक या अंशकालिक जो प्रबंधन होगा उनकी नियुक्ति करेगा कि जहाँ पे कोई पूर्णकालिक प्रबंधक है या अंशकालिक प्रबंधक है उनकी नियुक्ति करेगा और उनके सारे जो है वो कंसेंट और सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी वो उससे संबंधित करेगा नेक्स्ट बताया गया कि उसके बाद में जैसे ये सारे कर लेगा तो एक वैधानिक घोषणा जो है वो कंपनी के इनकॉपरेशन्स के समय करेगा जब उसने रजिस्ट्रार के यहाँ कोई ऐसा आवेदन दिया है कि वो सारी वैधानिक आवश्यकताएं जो एक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती हैं वो सारी कर ली गई हैं इसके बाद जो है एक निर्धारित जो सरकार ने निर्धारित करी गई है उस शुल्क को रजिस्ट्रार के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करेगा जो इस तरह से जो है वो कंपनी के इनकॉपरेशन और निर्माण के लिए प्रक्रिया बताई गई है अब कंपनी पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज हैं या क्या ऐसे आवश्यक दस्तावेज जरूरी है अब एम वेबसाइट पर जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपन करवाते हैं किसी कंपनी का तो वहां पे एक लिस्ट दी हुई है पूरे डॉक्यूमेंटों की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए जरूरी है अब इनको जो है वो निम्नलिखित किसी कंपनी को रजिस्टर होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है प्रत्येक कंपनी प्रस्तावित निर्देशक जो प्रपोज डायरेक्टर हैं उनके पेन कार्ड आधार कार्ड की एक कॉपी जो है वो सबमिट करेगा या ये दस्तावेज जो है वो आवश्यक है दूसरा बताया प्रस्तावित निर्देशकों के पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड उपयोगिता बिल वोटर आईडी कार्ड राशन कार्ड ड्राइवर का लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इत्यादि की कापी जो है वो सबमिट करेगा अब प्रस्तावित जो निर्देशक हैं उनके ईमेल आईडी और सारे पते जो है उसके साथ में उनका जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारा जो है उसको सबमिट करेगा नेक्स्ट बताया कि जो प्रत्येक प्रस्तावक निर्देशक की पास्टवे पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जो है वो सबमिट करेगा इसके बाद में प्रस्तावित कंपनी के लिए कार्यालय स्थान के स्वामित्व का प्रमाण पत्र मीन्स कि जो जिस स्थान पे उसने कंपनी स्टार्ट की है तो उसका जो है एक लीज़ एग्रीमेंट जो है वो सबमिट करेगा अब लीज़ एग्रीमेंट की एक कॉपी जो है वो उसको देगा और इसके लिए यदि वो नहीं है तो और उसका मकान मालिक का एन जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है उसके साथ में सबमिट करेगा इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि जैसे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन है प्रोस्पेक्टस है उसकी कॉपी भी रजिस्ट्रार को सबमिट करेगा और जैसे ही ये पूरे दस्तावेज कंप्लीट हो जाएंगे तो वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है वो प्रस्तावित या जरूरी है अब इसके बाद में बताया गया कि समामिलन का प्रमाण पत्र कि जैसी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई तो उसमें जो है जैसी रजिस्टर्ड हो गई सारी फॉर्मेलिटीज या जो वैधानिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर ली कंपनी ने तो वहां पर जो है कंपनी या जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो उसका एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा जिसको अपन समामिलन का प्रमाण पत्र बोलते हैं या इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं अब जितने भी प्रलेख या डॉक्यूमेंट उसने सबमिट करे सबमिट के बेसिस पे या वैधानिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करेगा यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वो कंपनी ने कर ली हैं तो उसके बेसिस पे जो कंपनी है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो उसका एक प्रमाण पत्र जो है वो इनकोपरेश का इशू करेगा और जैसी उसकी पूरी फीस और सारी फॉर्मेलिटी कर ली गई तो उसके लिए वो निर्गमन या इनकॉपरेशन का सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी को देगा अब इसमें वह अपने हस्ताक्षर जो रजिस्ट्रार है कंपनी वो उसमें एक हस्ताक्षर करेगा और एक इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट जो है वो उसको देगा तो इस तरह से वो इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट जो है जैसे ही उसको मिला है तो उसके तुरंत बाद जो है वो कंपनी को का अपना व्यापार जो है वो प्रारंभ कर देगा इसके पहले जो है वो अपना व्यापार जो है वो प्रारंभ नहीं करता जैसे ही कंपनी को इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो कंपनी का अपना व्यापार शुरू कर देता है अब नेक्स्ट बताया है कि इफेक्ट क्या होगा इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट का कि जैसे ही कंपनी को इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट होगा तो क्या इफेक्ट होगा इसका या प्रभाव क्या होगा तो इसके बारे में बताएगा कि कंपनी को जैसे ही इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कंपनी जो है वैधानिक इकाई या लीगल एंटिटी बन जाती है और उसको वो सारे राइट जो हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं पहला उसमें सम्मिलित किया गया कि सम्मेलन के प्रमाण पत्र को जैसे कोई बाइंडिंग होती है या कोई वो होती है तो वो सारे राइट जो हैं वो प्रमाण पत्र वो अपने नाम से जो है वो सूट फाइल कर सकती है कंपनी दूसरा बताया कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति बन जाती है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जिसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है उसके मेंबर्स जो है उसका अलग एग्जिस्टेंस होता है उसके जो कंपनी है उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है जिसकी एक कॉमन सील जो है वो होती है तो इस तरह से इसका इफेक्ट होता है तीसरा बताया कंपनी का अस्तित्व स्थायी हो जाता है कि जैसे ही वो इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है कंपनी को तो जो कंपनी है उसका जो अस्तित्व है या एग्जिस्टेंस है वो स्थायी हो जाता है चौथा बताया कि समामिलन का प्रमाण पत्र तो प्राप्त करते ही एक प्राइवेट कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर देती है कि जैसे ही उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपना व्यवसाय जो है वो प्रारंभ कर सकती है तो इस तरह से समामेलन या इनकोपरेशन सर्टिफिकेट का प्रभाव बताया कि इफेक्ट क्या होगा कि जैसी कंपनी को वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो सारे राइट जो है वो उसको प्रोवाइड्स कर दिए जाएंगे इसके बाद बताया गया कि समामेलन का प्रमाण पत्र एक निश्चायित प्रमाण है मीन्स कि जैसे ही इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो वो सारे क्वेश्चंस जो है कि क्या उसमें डॉक्यूमेंट है क्या नहीं तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा सर्टिफिकेट का या कंपनी का निर्माण होने का अब उस पर जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तो इस तरह से जो है जैसे इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो एक कंक्लूजिव एविडेंस है ट्रिब्यूनल्स के लिए कि जैसे ही उसको डिसाइड या इससे संबंधित कोई ऐसा इशू आता है तो वो एक कंक्लूजिव एविडेंस है कि कंपनी जो है वो वैलिड रूप से एग्जिस्ट हुई थी इसके लिए जो है कुछ बादों के द्वारा समझाया गया है कि जैसे जुबली कार्टन बिल्स लिमिटेड इस मामले में न्यायालय ने 6 जनवरी को रजिस्ट्रार ने आवश्यक प्रमाण पत्र या सम्मेलन इशू किया गया था परंतु उस पर 8 जनवरी को कुछ अंश के समामिलन के पूर्व आवंटित किए गए थे तो यहाँ पे कोर्ट के प्रति एक क्वेश्चन आया था कि क्या ऐसा आवंटन जो है वो वैलिड होगा इसमें कोर्ट ने इस प्रश्न को निर्धारित करते हुए ये डिसाइड किया कि जबकि समामिलन का प्रमाण पत्र इस बात का निश्चाय सबूत है कि कंपनी जो है वो वैलिड रूप से स्थापित की है अतः जो उसका शेयरों का आवंटन था वो वैध था वैलिड था इसमें कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं किया जा सकता इसको दूसरे मामले से समझाया गया है मूसा गुलाम आरिफ बनाम इब्राहिम गुलाम आरिफ इस बाद में कोर्ट ने कंपनी के समामिलन का प्रमाण पत्र जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आधार पर दिया गया था जिस पर दो वैक्ष व्यक्तियों के सिग्नेचर्स थे या साइन थे तथा अन्य सदस्य अभिभावकों के हस्ताक्षर थे इसमें कोर्ट ने कहा कि समामिलन का प्रमाण पत्र को व्यर्थ घोषित किया जाए या वॉइड घोषित किया जाए क्योंकि इसमें जो है वो माइनर्स व्यक्तियों के साइन है इसमें जो है न्यायालय ने निर्णित किया कि जो पार्षद सीमा नियम में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से कुछ आवेश के थे इस कारण से लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रार ने इशू करा है तो इसके बेसिस पे भले वो व्यक्ति साइन करने वाले माइनर थे कुछ व्यक्ति लेकिन जो उसका इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट है वो निश्चायक सबूत है कि कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है तो इस तरह से इसमें बताया गया कि जैसे ही इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट हो जाता है तो वो उसका कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव प्रूफ होती है तो ये हुआ सेकेंड चरण के कंपनी जो है वो कैसे उसका इनकोपरेशन होता है इसके बाद जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शंस कैसे करेगी ये तीसरा चरण होता है कंपनी का कि कंपनी जो है वो कैपिटल कैसे सब्सक्राइब करेगी तो इसके लिए जो है ये तीसरा चरण है कि एक निजी कंपनी अथवा वह सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो समामेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है और इन्वेस्ट कर सकती है अतः पूंजी अंशदान व्यवस्था अवस्था और प्रारंभ करने की व्यवस्था अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी पर लागू होती है कि जैसी कंपनी का इनकोप्रेशन हो जाता है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में वो कैपिटल सब्सक्राइब करती है मींस अपने जो शेयर हैं डिबेंचर्स हैं वो इशू करती है और उन इशू करने के बेसिस पे कि क्या रेट होगा क्या चीज़ होगी तो वो उसको सब्सक्रिप्शंस के लिए जो है वो पब्लिक के लिए भेजती है और उनका जो है व्यक्ति जो है वो सब्सक्रिप्शन करते हैं इस मोड से जो है कंपनी व्यक्तियों से वो सब्सक्रिप्शन लेती है और इन्वेस्ट कराती है जिसको अपन कैपिटल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ये तो ये चौथी स्टेज है पूंजी का अभिधान की व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को आवश्यक पूंजी एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी सबसे पहला जो है उन्होंने बोला कि जो प्रोस्पेक्टस है उसको इश्यू करना पड़ेगा और उस सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट करना होगा कि कंपनी जनता को प्रावरण या जो प्रोस्पेक्टस है उसको जारी करती है और उसकी एक प्रति जो है वो रजिस्ट्रार को बेचती है कि शेयर की क्या वैल्यू होगी डिबेंचर्स की क्या वैल्यू होगी क्या एसेट्स रखे जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जो है उस परस्पेक्टस में दी जाती हैं अब अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी का कंपनी का जो बैंकर होता है उसके लिए भी वो एक आवेदन पत्र देती है यदि कंपनी को न्यूनतम अन्यदान न्यूनतम अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शंस बताए हैं मेंबर्स के लिए तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस प्रत्येक जो मेंबर्स हैं कंपनी के लिए उनके लिए लेना जरूरी है कि सपोज कि जो कंपनी का मेंबर है उसके लिए जो है एक शेयर जो है वो लेना जरूरी है तो वहाँ पे वो पूरा उसका सब्सक्रिप्शन लेती है और जैसी जो व्यक्ति जो उनके लिए अप्लाई करते हैं शेयर बॉन्ड्स के लिए तो उनको जो है वो सब्सक्राइब करती है और शेयर जो है वो इशू करती है उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है तो इस तरह से जो है वो कंपनी कैपिटल अब इसके बाद जो है जैसी सब्सक्राइब करेगी तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस इसका भी एक सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करती है समामिलन का प्रमाण पत्र कि पत्रों के या जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपनी जो है वो निर्माण करती है या उनको सम उपस्थित होने के लिए व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र इश्यू करती है अब इसके बाद जो है बताया गया कि ये तो ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि कंपनी जो है वो ऑफलाइन जो है वो कर सकती है अब इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक प्रोसेस बताई गई है सबसे पहला जो है इसके लिए चार स्टेप बताए गए हैं सबसे पहला जो स्टेप है कि कंपनी जो है वो सबसे पहले जो है वो एक डिजिटल सिग्नेचर एक्वायर्ड करेगी जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरती है तो उसके पहले जो है डी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेना आवश्यक है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा बताया गया है अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रमाणित सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग का प्रावधान है तो ये ऑनलाइन का फर्स्ट है कि वो सबसे पहले जो है वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो लेगी तो दूसरा स्टेप बताया है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे अपन डी आई एन शॉर्ट में कहते हैं कि कंपनी के निदेशक के लिए एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हर उस इंसान को प्राप्त करना चाहिए जो कंपनी का डायरेक्शन करना चाहता है तो डी आई एन नंबर जो है वो इसका दूसरा चरण है ऑनलाइन प्रोसेस का दूसरा जो है वो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो प्राप्त करेगी तीसरा बताया गया कि जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का पोर्टल बनाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने तो उस पोर्टल पे जो है वो अप्लाई करेगी कंपनी के पंजीकरण के या रजिस्ट्रेशन के लिए आप एम सी ए पोर्टल्स पर फॉर्म भर सकते हैं एवं तो अन्य जो जरूरी दस्तावेज़ें जैसे कि मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन उनके कंसेंट डिक्लेरेशन तो ये सारे जो है वो उसमें अप्लाई करोगे इसके लिए कंपनी के निदेशक को सबसे पहले एम सी ए पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा और फिर उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए एक्सेस मिलेगा आपको चाहिए कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र इसके बाद जो है जैसी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकोऑपरेशन जो है वो जनरेट हो जाता है कि जैसे ही उसको लगता है कि सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली गई हैं तो वो इनकॉपरेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है कंपनी की रजिस्ट्रेशन करने की अब इससे संबंधित कंपनी अधिनियम से संबंधित कुछ प्रावधान बताए गए जैसे धारा सात जो है वो इनकॉपरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बताती है जिसमें जो है छः सात प्रावधान जो है इसमें बताए गए हैं सबसे पहले जो है कंपनी क्या करेगी कि उस रजिस्ट्रार के पास जिसकी अधिकारिता के भीतर कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाना तो सबसे पहले जो है उसको वहाँ पे अप्लाई करेगी कि सपोज जैसे कानपुर में है तो जो कौन यहाँ का जो जोडिक्शन है वो वहाँ पर वो अप्लाई करेगी और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करेगी जिसमें निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जो है वो बताए गए हैं फर्स्ट ज्ञापन के सभी अभिदारों द्वारा ऐसी रीति से बेहद किए जाएँ जो सम्यक रूप से कंपनी के ज्ञापन और अनुच्छेद में मीन जो आर्टिकल ऑफ आप एसोसिएशन आपने प्रिपेयर करा है तो वो सबमिट किया जाएगा दूसरा बताया किसी व्यवसाय अधिवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट लाख सेक्रेटरी द्वारा जो कंपनी के गठन में लागू हुआ है और कंपनी के निदेशक प्रबंधक सचिव के रूप में नामित हुए हैं तो उनकी सारी डिटेल्स जो है वो कंपनी के वहाँ पे सबमिट करी जाएगी तीसरा बताया कि ज्ञापन के प्रत्येक अभिदा से अनुच्छेदों तो में प्रथम निर्देशों के रूप में नामित व्यक्तियों में से यदि कोई हो तो उनके शपथ पत्र जो है वो सबमिट किए जाएंगे चौथा इसका रजिस्ट्रेशन कार्यालय स्थापित किए जाने तक का पत्र व्यवहार का पता कि उसका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का पता क्या होगा पांचवा नाम की विशिष्टियाँ जिसके अंतर्गत पहचान के सबूत ज्ञापन के प्रत्येक अभिवर्ता का उपमान उपनाम उसका मतलब नेम क्या है रेजिडेंस क्या है स्थान क्या है राष्ट्रीयता क्या है ये सारी डिटेल नेक्स्ट बताएंगे कंपनी के प्रथम निदेशक के रूप में अनिश्चितों में वर्णित व्यक्तियों के ऐसे प्रारूप या रीति जो भेद की जाए जो कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उनकी सहमति दी है तो वो सारी डिटेल जो है वो इसमें सबमिट की जाएगी दूसरा इसमें सबसेक्शन है जिसमें रजिस्ट्रार के अधीन फाइल किए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर कोई ऐसी मिथ्या जानकारी या अपूर्ण जानकारी है तो वहाँ पर वो जो है उसका निगमन का इफेक्ट होगा और वो इनकॉपरेट कर दी जाएगी ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद तीसरी उपधारा में बताया गया कि कि जारी किए गए निगमन सर्टिफिकेट में वर्णित तारीख से रजिस्ट्र कंपनी को निगम पहचान संख्या आवेदन करेगा मीन्स इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट जो है इशू करेगा चौथा कि अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में उपधारा के अधीन कोई मूल रूप में फाइल किए गए किसी दस्तावेज और जानकारी या प्रस्तावियों में ऐसे कोई विघटन होने तक बनाए जाने के लिए उपबंधित करेगा यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए किसी दस्तावेज में कोई ऐसी मिथ्या जानकारी देता है तो वहाँ पे वो उसके लिए उत्तरदायी होगा उपधारा पाँच के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालें कि जहाँ किसी कंपनी के निगमन के पश्चात किसी यह साबित हो जाता है कंपनी को ऐसी कंपनी के निगम के लिए फाइल किए गए दस्तावेजों में कोई मिथ्या या गलत जानकारी दी गई है तो वहाँ पर भी जो प्रवर्तक है या निर्देशक हैं तो वो उसके लिए उत्तरदायी होंगे और उपधारा सात में बताया गया है कि उपबंधों के पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बना जहां किसी कंपनी को ऐसी कंपनी के निगमन के लिए फाइल किए गए किन दस्तावेजों में कोई मिथ्या गलत जानकारी देकर या दुपदेशन करके या कोई तथ्य जानकारी को छुपा कर लिया गया है तो वहां पर जो रजिस्ट्रार को पावर है कि वो ऐसे इनकोपरेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है अब रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव क्या होगा अब जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इसको धारा नौ में बताया गया है कि ही इनका ऑपरेशन सर्टिफिकेट उसको तो मिल जाएगा तो वो उसका वैधानिक अस्तित्व जो है वो प्राप्त हो जाएगा अब प्रोमोटर्स के दायित्व के लिए केस जो है वो इसमें बताया गया है कि एल ने, एल बनाम न्यू सिमारो फॉस्टफोर्ट कंपनी इस कंपनी में क्या होता है कि एक फॉस्टफोर्ट कंपनी थी उसमें जो है उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल आउट कर दी थी पचपन हजार पाउंड में अब जैसी वो कंपनी जो है उसने उसको बेची तो इसने जो है एक प्रोमोटर्स के रूप में एक नई कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करी अब वहां पे कुछ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करे वो वो सारे डायरेक्टर्स जो है उनको मिला के उसने अपॉइंट कर लिए अब जैसी कंपनी खुली नई वाली न्यूज एम आर ओ कंपनी तो वहां पर जो है इसने वो जो लीज में प्रॉपर्टी थी उसको महंगे दाम में वन एक लाख दस हजार पाउंड में उस कंपनी को बेच दिया तो इसके बेसिस पे जो है कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो उस प्रमोटर्स को कोई ऐसे सीक्रेट प्रॉफिट हुए हैं तो वो ऐसे प्रॉफिट जो है वो उससे गेन नहीं कर सकता जितना भी उसको प्रॉफिट है वो कंपनी को रिटर्न करेगा तो इसके लिए जो है वो इसमें प्रोमोटर्स के दायित्व के लिए ऊपर ये बात दायर किया था इस तरह से जो है ये पूरा प्रमोशन ऑफ कंपनी और इसके बारे में बताया गया है और अगले व्याख्यान में जो है वो पार्षद सीमा नियम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन इनके बारे में डिस्कस करेंगे धन्यवाद Hi, my name is Gillette Sam and I teach sociology uh, at IIT Kanpur. Uh, today I am going to uh, tell you about uh, an important debate that is occurring around uh, the concept of globalization. Uh, now, uh, uh, within the study of globalization, there are two sets of people. The first set of people uh, argue that globalization is uh, very real. It's something that is happening around us all the time, and in fact, it's something that is gaining strength over time. The second set of people, uh, and the first set of people, are are called the globalists. The second set of people are not so convinced that globalization is something real, uh, and they ref they are referred to as skeptics. Now, the skeptics argue that. Uh, unlike what the globalists would have us believe, that there are things and ideas and people that are traveling across the world, across multiple borders, and that we live in an interconnected world. actually, there are many parts of the world and many types of people who are completely left out of these kind of global flows. so they would give you the example of uh, typically indigenous communities who live across the world. And they would argue that if you look at the lives of indigenous communities, particularly tribes that are uh, quite isolated uh, uh, in terms of their physical location, their lives continue without their participating in any kind of global flows. To this, the globalists would respond that even though uh, people may live in isolated and remote locations, and they may not be directly. Uh, involved in global flows, their lives today are still being influenced by events that are happening at a global scale. Uh, you can take the example of climate change. So, uh, for instance, if uh, if there is an indigenous community that has no contact with uh, anyone else in the world apart from themselves, uh, but they live in an Area uh, which is experiencing uh, an increase in sea levels and increase in the temperature. All of this may be attributed to people in neighboring countries or actually rather events that are happening across the globe. So, in that sense, even though you may not be directly participating in global flows, your everyday life is affected by what is happening around the world. Uh, another argument that the skeptics make uh, is uh, in regard to what happens with the nation states. Now, initially, when discussions about globalization started, and we are talking about the 1990s, um, the expectation was that uh, the, the nation state uh, as an entity is going to wither away, uh, it is going to cease to be important. Uh, now, um, skeptics could point out to uh, the world today and say, well, nation states are still important. Uh, we still live our lives based on which uh, nation we were born in or which nation we have citizenship in. Their rules and regulations are still important for us. Uh, to which globalists would argue that this expectation that the nation state Will cease to be important, uh, that itself is a fallacy. Uh, rather than facing a situation that the nation states state becomes less important over time, uh, we actually may be uh, headed towards a situation where, in addition to the nation state, there are other laws which become important to our lives and they shape our lives uh, on an everyday basis.